में कम से कम 4 दफ़ा हम उन जगह विजिट करते हैं, ऑटम में, विंटर में, स्प्रिंग में और समर में। इस दफ़ा विंटर के ट्रिप की जब बारी आई तो वो हुआ जिसका डर था। यासीन, तब तक मैं फेसबुक स्क्रॉल करता हूँ। ग्लेशियर पिघलने से हुंजा झील में पानी का बहाव तेज हो गया है। गिलगित से आपको खबर दे रहे हैं, हसनाबाद के मकाम पर पुल टूट गया है, मकामी गांव में कई घर तबाह। तो हुंजा में तो ब्रिज कोलैप्स हो गया, क्या हम कैंसिल कर लें प्रोग्राम? यार, हम तो आपके गांव की तरफ आ रहे थे, अब तो आपके गांव का ब्रिज कोलैप्स हो गया, क्या करें? ये एक पुरानी खबर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन ये खबर बहुत पुरानी है। कोलैप्स हुआ था हसनाबाद का ब्रिज, लेकिन उसको बहाल किया गया है और अब वो इजी है, इजी एक्सेस पे है, तो हम जा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं उधर की तरफ। आई एम अनीस अब्बास। आई एम नयार अब्बास। आई एम इंजीनियर मुअज्जम अली। फाइनली हम हुंजा की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच गए हसनाबाद ब्रिज में, और बेहतरीन एस्थेटिक से बड़ा ब्रिज है ये। उन घरों को वो बहा के ले गया और कुछ वहाँ पे इबादत खानों को भी बहा के ले गया जो उस एज के साथ बने हुए थे। जाहिर है ये सब इस पूरे हॉल स्ट्रक्चर में हमारी इंजीनियरिंग का ही फेलियर हम कह सकते हैं, कि हमें अपने इलाके के हवाले से इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम कंस्ट्रक्शन कहाँ करें और कैसी कंस्ट्रक्शन करें। तो एक पूरा सिचुएशन बना था जिसमें वहाँ के लोकल, खुसूसन हसनाबाद का जो इलाका है, वो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली सफ़र हुए थे, डायरेक्ट इम्पैक्ट उन पर हुआ था। ट्रैफिक है नगर की तरफ डाइवर्ट हुई थी, नगर की तरफ डाइवर्ट हुई थी। वो छोटे छोटे रोड्स हैं, वो कच्चे रोड्स हैं सारे। अब वो मतलब आपके जैसे KKH है, ये तो हाईवे है, हाईवे के स्टैंडर्ड का आप ट्रैफिक को किसी लोकल गाँव के या चंद गाँव के लिए बनी हुई रोड पर आप डाइवर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पर आपका इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन पुल नहीं होने की वजह से उस 100 मीटर को तय करने के लिए आपने कम से कम कोई 30-40 किलोमीटर का सफ़र आपने तय करना होता था, जस्ट टू रीच दैट 100 मीटर या 200 मीटर का जो फासला आपका रह गया था। तो फिर कितना अरसा लगा ये ब्रिज बनने में? फिर इसका अल्टीमेटली आप कह सकते हैं साल, एक साल या डेढ़ साल, तो बहुत कम का अरसा है। हाँ, साल लगा था, बहुत कम का अरसा है। इसको हम कह सकते हैं कम का अरसा है, लेकिन जो ट्रैफिक का इम्पेक्ट था उस हिसाब से वो बेहतर हो गया है। अच्छा, बेहतर मतलब गिलगित बल्तिस्तान, अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस में देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी या इवन पाकिस्तान में जो कोलैप्स होते हैं उनमें टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे बेहतर टाइम पे हुआ था, ये जल्द हुआ था। अच्छा, तो ज़बरदस्त, ये तो बड़ा बेहतर फिट काम हो गया। और उससे उसके अलावा मुतबादिल पुल वहाँ पे, बल्कि 15-16 दिनों में मुतबादिल पुल वहाँ पे लगाया गया था, जो एक टेम्परेरी पुल आप कह सकते हैं। ज़बरदस्त, यानी हमारे पाकिस्तान में भी ब्रिजेस साल के अंदर भी बनते हैं, ऐसा हो सकता अच्छा? है, अगर नीयतें अच्छी हों और सब अच्छा हो तो ये मुमकिन है, ये मुमकिनात में से। अच्छा, ठीक हो गया। इसकी एक मिसाल आप दे सकते हैं, बिल्कुल हसनाबाद पुल का वहाँ पे मैं वही बात कहूँगा कि विद इन 16 डेज मुतबादिल पुल दिया गया था वहाँ। ओह ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पुरानी खबरें आजकल सामने आ रही हैं और टूरिज्म पे बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। कुछ मेरे फॉलोअर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि गिलगित में अब भी कोई रोड ब्लॉक है, पुल टूटा हुआ है या सैलाब आ गया है, तो ये फेक खबरें हैं, इन पर आप ध्यान ना दें, सीधे सीधे आ जाएँ। वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान, रोड सारे खुले हैं, कोई ब्रिज अभी ख़राब नहीं है, एवरीथिंग इज़
इन स्ट्रीम लाइन। तो यू कैन विजिट गिलगित बल्तिस्तान। अल्लाह हाफिज़।